अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमीना। आज बनाऊंगी कद्दू की सब्जी। नमक लिया मैंने 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च ली 1 चम्मच, धनिया और जीरा पिसा हुआ लिया आधी चम्मच, हल्दी ली आधी चम्मच, काली मिर्च ली आधी चम्मच, एक टमाटर, 6-7 सब्ज मिर्च, अदरक लहसुन को मैंने इकट्ठा ब्लेंड किया, एक प्याज काट ली है और 1.5 किलो कद्दू लिए। एक बड़ा पतीला लिया मैंने, फ्लेम ऑन कर दिया, मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। ऑयल डाला मैंने 1 कप। अब मैं डाल दूंगी प्याज। प्याज को मैं ब्राउन कर दूंगी। प्याज को ब्राउन कर लिया, मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर और लहसुन का पेस्ट। साथ में बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, नमक, सोस मिर्चे, धनिया जीरा पिसा हुआ, हल्दी और काली मिर्चें डाल दूंगी। अब मैं मसाले को 3-4 मिनट भून दूंगी। मसाले को मैंने 3-4 मिनट भून लिया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कद्दू। मैं कद्दू को मसाले के साथ भून लूंगी। कद्दू को मसाले के साथ मैंने 6-7 मिनट भून लिया है मीडियम फ्लेम करके। अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है, अब इसे लो फ्लेम पर भूनूंगी। कद्दू को मसाले के साथ मैंने 10-15 मिनट भून लिया है लो फ्लेम करके। अब मैं इसे ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। कद्दू के सालन को ढककर मैंने 6-7 मिनट पका लिया है, कद्दू गल चुका है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी, इसे निकालूंगी प्लेट में। कद्दू का सालन मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।